आपकी मन की इच्छाएं पूरी करने का तरीका बताती हूँ। कई बार आप पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको बताती हूँ एक खास उपाय, जिससे कर लेने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होने लगेगी। ट्यूसडे के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से एक मूर्ति बनाएं या किसी से बनवाएं। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें, तेल और घी का दीपक जलाएं, सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करें, पुआ और बूंदी का भोग लगाएं, 27 पान के पत्ते और सुपारी लेकर इस तरीके से एक पान सा बनाएं और इसको हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, फिर आरती करें, स्तुति करें, अपनी इच्छा बताएं, प्रार्थना करें और इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। ऐसा करने के बाद आप किसी भी मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे किसी ब्राह्मण को या जो भी वहाँ के बंदे होते हैं उनको भोजन कराएं और दान देकर सामान के साथ में वहाँ से आ जाएं। ये करने से हनुमान जी आपसे जल्दी खुश हो जाएंगे और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से भगा देते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे आसान मंत्र है कि आप खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें। कैसे, आइए बताती हूँ। आप रोज़ाना खुद से पॉजिटिव अंदाज में बात किया करें। वैसे तो जो लोग अपने आप से बात करते हैं लोग बोलते हैं कि स्क्रू ढीला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शीशा देखकर खुद से पॉजिटिव अंदाज में बात करते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो गायब होने लग जाती है। जी हाँ, जब आप अपनी ही आँखों में आँखें डालकर पॉजिटिव बात करते हैं तो आपका थॉट पैटर्न, आपका माइंड पैटर्न बदलने लगता है। ट्राई करके देखिए। इसके अलावा छोटी से छोटी आदत को भी सेलिब्रेट करें। जितना आप सेलिब्रेट करेंगे कुदरत आपको उतने ही मौके देगा सेलिब्रेट करने के। ऐसा करने से आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी और आपको खुशी मिलेगी, आप खुशी ढूंढना सीखेंगे। खुद को हंसने की, मुस्कुराने की आज़ादी दें। आपको जो चीज़ देखकर हंसी आती है दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से हंसें। जितना आप दिल खोलकर हंसेंगे यकीन मानिए उतना ही आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि आप मन से चाइल्ड होंगे। स्पेशल ब्यूटी टिप्स, लौकी के आयुर्वेदिक फायदे आपको बताती हूँ। लौकी खाना ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। आज की जनरेशन के आगे बोलो घिया बनाएं तो ऐसी शक्ल हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी में कई तरह के गुण छुपे हैं जो आपको हेल्दी बनाने में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। क्या है लौकी के ये गुण और कैसे चोरी छुपे खाने में लौकी को इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। अगर वेट कम करना चाहते हैं तो लौकी को उबालकर नमक के साथ खाने से वज़न जल्दी घटता है और इसमें मौजूद फाइबर ज़्यादा भूख नहीं लगने देता। अगर चेहरे में निखार चाहिए तो लौकी का जूस पेट की अंदरूनी सफाई करता है, जिससे चेहरे पर धूल धूप और प्रदूषण के होने वाले मुहासों से छुटकारा मिलता है। डायबिटीज़ अगर है तो सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से डायबिटीज़ पर कंट्रोल रहता है। और अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो लौकी पेट में से गैस की समस्या को दूर करती है। अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, आप लो फील करते हैं, आलसी फील करते हैं, तो नमक या मसाला डालकर लौकी का जूस पीना बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको टेस्ट भी बेटर लगेगा। लौकी में वाइटमिन और प्रोटीन है। इसमें वाइटमिन ए, वाइटमिन सी, वाइटमिन B3, B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक होता है, जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। हार्ट अटैक से बचाने के लिए या हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो लौकी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इंसान से दूर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लास लौकी का जूस पीकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से काफ़ी टाइम तक निजात पाया जा सकता है, एज इन कंट्रोल किया जा सकता है। लौकी के फ़ायदे तो जान लिए आपने, लेकिन खिलाएंगे कैसे बच्चों को और कई बार तो बड़ों को भी। आप घर में टमाटो सूप तो बनाते ही हैं। जब टमाटो सूप बनाते हैं तो टमाटर उबालते समय उसमें थोड़ा सा घिया भी डाल दिया करें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो टमाटो सूप का टेस्ट बेटर हो जाएगा, दूसरा घिया पता नहीं चलेगा। और तीसरा, अगर आप टमाटो सूप में स्टार्च मिलाते हैं, कॉर्नफ्लावर मिलाते हैं,
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटो सूप गाढ़ा अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा आप लौकी को कैसे खिला सकते हैं? पाव भाजी बनाते समय लौकी और तोरी ज़रूर डाला करें, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने सब्जी के अंदर लौकी और तोरी डाली है। फेस की स्किन टोनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक्सेस ऑयल, गंदगी और जर्म्स भी साफ होते हैं। आज मैं आपको नेचुरल होममेड स्किन टोनर्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे यूज़ कर आप ग्लोइंग और सॉफ्ट स्किन पा सकते हैं। सबसे पहले मिंट स्किन टोनर, थोड़े से पुदीने के पत्ते पानी में धीमी आंच पर उबाल लें। 10 मिनट तक पत्ते पानी में रहने दें, पानी छान लें। इस पानी को कॉटन में लगाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें और एक खीरा कद्दूकस करें, आधे कप दही में मिक्स करें। चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, चेहरा धो लें। आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। कैसे मिलेगी जॉब में और करियर में प्रमोशन और सक्सेस, चलिए जानते हैं। रोज शिवलिंग पर जरा सा कच्चा दूध और मिल्क चढ़ाएं और संडे को तेल और नमक का परहेज करें। इससे सन स्ट्रांग होगा, जितना सन स्ट्रांग होगा आपके बॉसेस आपको सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। रोज पीपल में जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें। ये रेमेडीज करने से नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ट्राई करें और फर्क महसूस करें। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आप तो जानते ही हैं कि मैं डेली आपके लिए नई चीजें लाती हूँ, छोटी बड़ी परेशानी की बात करती हूँ, घर हो, ऑफिस हो या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, हर एरिया पर बात करती हूँ। समय बहुत कीमती है और सिर्फ एक ऐसी चीज समय ही है जो जाकर वापस नहीं आता। ये समय अगर आप गॉसिप की चीज़ों में लगाते हैं, किसकी घर में, किसकी लाइफ में, किस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप अपनी और अपनों की ज़िंदगी सुधारने के बारे में सोचेंगे। और जो भी टिप्स सुनते हैं अगर किसी और के काम की है तो उनसे प्लीज़ शेयर किया करें। जब आप लोगों से पॉजिटिव चीज़ें शेयर करेंगे तो आप और पॉजिटिव होते जाएंगे, हर चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा जो वो कर बेनिफिट पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझते हैं और करते हैं, मैं कल आपसे फिर से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।